ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शांति शांति सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 96 को आज हम पढ़ेंगे। 95 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 95 क्लासेस। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, वहां पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स को, जैसा कि मैं आपको बहुत कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि इस कोर्स को लगभग, इस कोर्स की 50 से 60 कक्षा पढ़ करके, मैंने कक्षा एक से लेकर के 50 या 60 कक्षाएं आप पढ़ लें, तो उसके बाद में इसके प्रैक्टिस के लिए एक दूसरा हमने कोर्स बनाया है, ठीक है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण अभ्यास, उसके लिए कॉलम बना दिया है, उससे प्रैक्टिस भी साथ में करें, ठीक है, तब आपको संस्कृत भाषा में और अच्छी सफलता मिलेगी। चलिएगा, तो मित्रों, आप आज की कक्षा में मैं आपको कुछ शब्द रूप याद कराऊंगा। काफी शब्द हमने इसमें पढ़ते पढ़ते कर भी लिए हैं, और इसमें ण्यंत जो प्रत्यय थे वो सारे हमने समाप्त कर दिए। अब हमारे पास में कोई प्राथमिक स्तर में पढ़ाने के लिए प्रत्यय नहीं है, पढ़ा दिए सारे। अब शब्द रूप हमने आपको देखेगा, फिर मैं आपको बता देता हूं। आज हमने राम के ह्रस्वकारांत पुल्लिंग के शब्दों के रूप याद कर लिए हैं, लता दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग के कर दिए हैं, जल ह्रस्वकारांत नपुंसक लिंग के रूप याद करा दिए, अग्नि ह्रस्वकारांत पुल्लिंग के रूप याद किए, मति ह्रस्वकारांत स्त्रीलिंग के रूप याद करा दिए, वारी ह्रस्वकारांत नपुंसक लिंग के रूप याद करा दिए आपको, नदी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग के रूप याद करा दिए, गुरु उकारांत पुल्लिंग के रूप याद करा दिए आपको, धेनु उकारांत स्त्रीलिंग के करा दिए ह्रस्वकारांत, मधु ह्रस्वकारांत नपुंसक लिंग के रूप याद करा दिए, वधु दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग के रूप याद करा दिए, कर्त्री ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत नपुंसक लिंग के दोनों के याद करा दिए, ठीक है, और ऋकारांत से स्त्रीलिंग बनाना भी सिखा दिया था, वो ओकारांत पुल्लिंग के रूप याद करा दिए, नव औकारांत स्त्रीलिंग के रूप याद करा दिए आपको मैंने, राजन नकारांत पुल्लिंग के रूप आपको याद करा दिए, ठीक है, भगवत तकारांत पुल्लिंग के याद करा दिए आपको, ठीक है, करिन इन्नंत पुल्लिंग के याद करा दिए, और इससे स्त्रीलिंग बना करके भी आपको बता दिया कि इससे स्त्रीलिंग ऐसे बनता है। अब हमारे पास में कुछ और शब्द हैं, उनके रूप इस
कोर्स में हमें स्मरण कराने हैं। एक है वाच शब्द है, वाच ये चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है आज करेंगे। एक ये सरित शब्द है, ये तकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द तकारांत। जगत के रूप आपको मैंने याद करा दिए हैं पहले, बीच में जगत के एक बार करा दिए हैं। पयस शब्द है, इसके भी करेंगे। और ये कर्मन शब्द है, कर्मन। और भी एक दो शब्द ध्यान में आएंगे, उसको अब हम कंप्लीट कर देंगे शब्द रूप को। और फिर अंत में हमारा जो प्रकरण है वह है समास का प्रकरण। फिर समास का प्रकरण समाप्त करने के बाद इस कक्षा को नमस्कार करेंगे और आगे की कक्षा में फिर नमस्कार करेंगे, ठीक है चलिएगा। तो आज हम दो शब्दों को आपको याद कराएंगे। अपनी कॉपी को खोल लीजिएगा, नोटबुक को और पेन को ले लीजिएगा हाथ में, वाच और शरित, सरित, ठीक है। चकारांत स्त्रीलिंग, तकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है चलिएगा। आइएगा, तैयार हो जाइएगा। लिख लीजिएगा, पहले थोड़ा सा लिखिएगा ऊपर। वाच, वाच का अर्थ होता है वाणी, वाणी सभी लोग जानते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है ये चकारांता, चकारांत, चकारांत। पूर्व की तरह लिख लीजिएगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और ये साइड में प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है चलिएगा। लिखिएगा वाक का ये हलंत है, ठीक है वाक, और फिर इसमें लाइन डाल के दूसरा एक बनता है वाग का, ये भी हलंत है। वाक और वाग ये दो रूप बनते हैं। वाचऊ वाचाह, वाचम वाचौ वाचाह, ये यहां गलत हो रहा है, ध्यान देंगे। ये वाचा है, ठीक है क्या है? वाचा, वाचा, वाग्भ्याम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचाः वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचाः वाचोः वाचाम वाची वाचोः वाक्षु हे वाक् वाग, दो बनेंगे यहां पर भी संबोधन में,
वाचौ हे वाचाः ठीक है चलिएगा यह ध्यान देंगे वाचा है ये वाचा मैंने बार बार बोला है आपको ठीक ये स्त्रीलिंग चकारांत शब्द है वैसे बहुत अधिक शब्द नहीं है इस प्रकार के अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं है परंतु है प्रसिद्ध शब्द है इसके समान ही कुछ और शब्दों को भी मैं लिखा देता हूं दो चार को और संक्षिप्त प्रत्यय को भी लिखा देता हूं ठीक है चलिएगा ये शब्द लिखिएगा चार शब्द आपके लिए मैंने प्रसिद्ध लिखे हुए हैं लिखिएगा एक शब्द है रुच चकारांत रुच रुच का अर्थ होता है अच्छा ये है त्वच त्वच माने त्वचा स्किन शुच शुच का अर्थ होता है शोक दुख होता है शोक होता है और ये है रिच रिच होता है वेद की ऋचाएं होती हैं वेद के मंत्र होते हैं ठीक है उनको रिच बोलते हैं तो ये चार शब्द हैं और अधिक शब्द नहीं है कुछ और भी होंगे परंतु इतने काफी हैं आपके लिए ठीक है प्रयोग कम तो अब आपको इसी के समान बिल्कुल इसी के समान रूप चला लेंगे ऐसे कुछ विशेष नहीं है वैसे आप अपने आप भी हटा देंगे इसमें क्या करेंगे इसमें अंत में इच्छा है तो क्या करना है इसमें आपको वाह वाह हटा देना है इसमें से वाह हटा देंगे और वा के स्थान में जिसका रूप चलाना है उसका आदि अक्षर जोड़ देंगे रू त्वा शु और री ये जोड़ देंगे तो अपने आप बन जाएगा रूप फिर भी मैं आपको संक्षिप्त प्रत्यय लिखाता हूं चलिए संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा वो लिखिए कॉलम बना लीजिएगा लिखिए का ग हलंत है का ग चाऊ चाह चम चाऊ चाह चा भ्याम भ्याम माने ग है आधा और भ्याम भी चे गुभ्याम गुभ्याहा चाहा गुभ्याम गुभ्याहा चाहा चोह चाम ची चोह क्षु क्षु फिर वही है का गा दो हैं और चाउ चाह अब क्या करना है आपको ये संक्षिप्त प्रत्यय हैं कोई भी चकारांत स्त्रीलिंग के रूप आपको चलाने होंगे तो क्या कर देना है कोई भी शब्द है उसको लेकर के ये हटा देना है क्या हटा देना है चा अंतिम चा हटा देना बस जैसे रुच में से चा हटाएंगे तो क्या बनेगा रू बनेगा त्वच में से चा हटाएंगे तो बनेगा शुच में से चा हटाएंगे शु और रिच का री अब इसमें आप संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा इनके रूप बन जाएंगे संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ दीजिएगा रूप बन जाए ठीक है सरल तरीका बता दिया मैंने और इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता
चलिएगा, ये वाच के रूप हो गए। आइएगा सरित के लिखिएगा आप, लिख लिए सरित। सरित का अर्थ होता है नदी, रिवर, स्त्रीलिंग शब्द है ये और तकारांत है, तकारांत, ठीक है। चलिएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन लिख लीजिएगा। देखिए सरित हलंत ध्यान रखेंगे, सरित और एक दूसरा ये द लिखा है, तक के जगह पर द, माने सरित सरिद, दो रूप बनते हैं इसके, क्या सरित और सरिद। ये त और द हलंत है, सरिताऊ सरिताहा सरितम सरिताऊ सरिताहा सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भिः सरिते सरिद्भ्याम सरिद्भ्याः सरिताः सरिद्भ्याम सरिद्भ्याः सरिताः सरितोः सरिताम सरिति सरितोः सरित्सु हे सरित हे सरिद ठीक है, ये ता और द दो बन जाएंगे प्रथमा एक वचन में, हे सरिताऊ हे सरिताहा तकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी बहुत कम है, अधिक संख्या में नहीं। कुछ शब्द आपको मैं लिखा देता हूं, देखिएगा तीन शब्द हैं बहुत जो प्रसिद्ध हैं, प्रयोग में ज्यादा अधिक दिखते हैं। एक शब्द है योषित, योषित मूर्धन्य ष है, योषित का अर्थ होता है स्त्री। एक है तड़ित, तड़ित का अर्थ होता है बिजली। और एक है विद्युत, विद्युत का अर्थ होता है बिजली। बस ये बहुत मुझे मेहनत से तीन शब्द मिले हैं, ट्राय करके है नहीं, चौथा ये है। अब इनके भी रूप आपको बनाने हैं तो बिल्कुल आप झट से बना भी सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, पर फिर भी मैं आपको संक्षिप्त प्रत्यय लिखा देता हूं। चलिएगा लिखिएगा संक्षिप्त प्रत्यय, लिख लीजिएगा
संक्षिप्त प्रत्यय, ठीक है, प द हलंत लिखिए, प द ताऊ ताहा तम ताऊ ताहा ता दुभ्याम, ये हलंत है, दुभ्याम दुभी ते दुभ्याम दुभ्याः ताः दुभ्याम दुभ्याः ताः तोः ताम ती तोह सु, ये ता हलंत ता ता सु ता दा ताऊ ताह, ये तकारांत स्त्रीलिंग के रूप बनाने के लिए संक्षिप्त प्रत्यय। अब इसमें क्या करना है आपको, कोई भी आपके सामने तकारांत स्त्रीलिंग शब्द आता है तो आपको क्या करना है, ये ता हटा देना है, बस ता हटा करके फिर योशी, फिर इसमें जोड़ते जाइएगा संक्षिप्त प्रत्यय योशी, योशी का आप चलाइएगा, ये आप संक्षिप्त प्रत्यय आगे जोड़ते जाइएगा, रूप आपका बन जाएगा, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, चलिएगा। तो ये दो शब्दों के मैंने आपको रूप याद करा दे, वो आपको लिखा दिए, अब आ जाइएगा एक एक दो दो बार में आपको इसका उच्चारण करा देता हूं, ठीक है, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर बाद में आराम से याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। बोलिएगा मेरे साथ, बोलिएगा दो दो बार, वाक वाग वाचौ वाचाह वाचम वाचौ वाचाह वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचाः वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचाः वाचोः वाचाम वाचि वाचोः वाक्षु हे वाक् हे वाचौ हे वाचा, ठीक है। आइएगा एक बार और बोलिएगा, वाक वाग वाचौ वाचाः वाचम वाचौ वाचाः वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचाः वाग्भ्याम वाग्भ्याः वाचाः वाचोः वाचाम वाचि वाचोः वाक्षु हे वाक् हे वाक् हे वाचौ हे वाचाः, ठीक है जी। इतनी तो नैया पार करा दी मैंने आपकी, अब अपने आप थोड़ा तैरिएगा, ठीक है। गुरु जी का हाथ पकड़ के तो नहीं आपको तैरना, अब तैरना सीख गए, अब तैरिएगा आराम से, चलिएगा।
अब चलते हैं आगे, दूसरा शब्द था आपका सरित। चलिए ये तो है ही साक्षात नदी, इसको तो पार करना ही पड़ेगा जी। चलिए बोलिए ना, सरित सरित सरिताउ सरिताह सरितम सरिताउ सरिताह सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भिः सरिते सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः सरिताः सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः सरिताः सरितोः सरिताम सरिति सरितोः सरित्सु हे सरित हे सरिद हे सरिताउ हे सरिताः। ठीक है, और बोलिएगा एक बार, सरित सरित सरिताउ सरिताः सरितम सरिताउ सरिताः सरिता सरिद्भ्याम सरिद्भिः सरिते सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः सरिताः सरिद्भ्याम सरिद्भ्यः सरिताः सरितोः सरिताम सरिति सरितोः सरित्सु हे सरित हे सरित हे सरिताउ हे सरिताः। नैया पार लगा दी मैंने, नदी पार करा दी आपको। चलिएगा, ये हो गए मित्रों आपको, आगे की कक्षा में और कुछ शब्द रूप हैं उनको याद कराएंगे। इस प्रकार से दो तीन कक्षाओं में आपको शब्द रूप अब थोड़ा सा हल्का महसूस कराएंगे। बीच में आपको बहुत काफी कठिन महसूस हुआ है, कुछ आपको बीच में मैंने कठिन बातें बताई थी, ठीक है। तो कुछ पाठक तो घबरा भी गए होंगे कि अरे क्या बात बता दीजिए, ये तो समझ में ही नहीं आ रही, पर समझना तो पड़ेगा जी। इस लक्ष्य के लिए मित्रों हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रथम चरण में हम 1 करोड़ लोगों को शुद्ध संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका आत्मीय सहयोग चाहिए, आपका सामाजिक सहयोग चाहिए, आपका मानसिक सहयोग चाहिए, आपका आर्थिक सहयोग चाहिए, आपका जो भी सहयोग हो सकता है सब प्रकार का सहयोग चाहिए, असहयोग किसी का नहीं चाहिए, ठीक है, सहयोग ही चाहिए। और आपके सहयोग से ही ये हम प्रथम चरण का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों आप जो भी सहयोग बन पड़े, एकदम दिल खोल करके एकदम पूरे सामर्थ्य के साथ में अपने सहयोग को प्रदान कर दीजिए। सबसे पहला सहयोग चाहिए आपका सामाजिक सहयोग, आप अपने लोगों तक इस सामग्री को ले जाएं, ठीक है, ये सबसे बड़ा सहयोग है। इसमें आपको कुछ अधिक मेहनत नहीं करनी, केवल कोर्स का लिंक शेयर किया है तो कॉपी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप जिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पर शेयर करते रहिएगा। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर ले लीजिएगा, हम दे देंगे आपको, लिख करके भी दे देंगे कुछ उसके विषय में, उसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं तो सभी ग्रुप्स में नहीं हूँ, मैं पूरे भारत में भी नहीं हूँ, ठीक है, पर आप लोग जहाँ हैं वहाँ अपनी कम्युनिटी में संस्कृत भाषा को ले जाएं, मेरा तो यही निवेदन है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और जुड़े रहिएगा। ये देववाणी संस्कृतम के अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर भी संस्कृत की शिक्षण की सामग्री आपको प्राप्त होगी। सर्वेभ्यो नमः।